हेलो फ्रेंड्स, आपका चटपटा सफ़र में स्वागत है। आज हम बनाएंगे चीज़ जो कि बिल्कुल प्योर मिलेगा, घर में बनाना बहुत ही आसान है और घर में बनाने में हमें वो बहुत सस्ता पड़ता है। आइए, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए देखते हैं। हमें चाहिए विनेगर, सफ़ेद सिरका, आप चाहें तो कोई सा भी सिरका ले सकते हैं, फुल फैट क्रीम, हमने लिया है 1 लीटर फुल फैट क्रीम, और उसका हम चीज़ बनाएंगे घर में। हमें उसको धीमी आंच पे गरम करना है और हमें उसको बिल्कुल कंटिन्यू चलाते रहना है, हल्का हल्का, देखिए कंटिन्यू चलाते रहना है हमें। हमें उसको चलाना छोड़ना नहीं है ताकि वो नीचे नहीं चिपके। एक साइड पे हम गरम पानी रख देंगे जो कि हमें बाद के प्रोसेस के लिए चाहिएगा। देखिए हम कंटिन्यू दूध को चला रहे हैं। हमें इस दूध को इतना गर्म करना है कि हमारी उंगली जो है वो डिप हो जाए, उसको बर्दाश्त कर सके, बस इतना ही गुनगुना करना है हमें। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है या बॉईल नहीं करना है हमें दूध को, हल्का सा गुनगुना गर्म करना है बस। ये देखिए हमारा दूध, हम उंगली डालकर टेस्ट कर रहे हैं कि हमारा दूध गर्म हुआ है कि नहीं। हमारे पानी में उबाल आ चुका है तो हमने इसको बंद कर दिया है। अब ये देखिए हमने 1/4 कप सिरका लिया है। अब ये हम नारा दूध जो हल्का गर्म हो गया था, हम उसमें थोड़ा थोड़ा विनेगर डालते जाएंगे और उसको हिलाते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालते जा रहे हैं और हिलाते जा रहे हैं। अब ये अपना पानी छोड़ देगा। देखिए इस तरीके से ये हमारा पनीर या चीज़ बोल सकते हैं, हमारा चीज़ लगभग बनने के लिए तैयार हो रहा है। देखिए इस तरीके से ये निकल रहे हैं और उसने अपना पानी छोड़ दिया है। इसको हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा विनेगर डालते हुए। देखिए इस तरीके से हमने उसको पूरा ठंडा कर लिया है। चलाते चलाते उसमें जितना भी जो भी चीज़ था उसने अपना सब पानी छोड़ दिया है। अब हम उसको छान लेंगे दूसरे बर्तन के अंदर, हम उसका पानी पूरा छान लेंगे छन्नी से। देखिए यह हमारा चीज़ हमको मिल चुका है। अब हम इसको अपने हाथ से दबा दबा कर इसका पूरा पानी निकाल देंगे। ये पानी आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, इससे आप चाहें तो आटा गूंदें और आप सब्ज़ी में भी इस पानी को यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत पौष्टिक है। अभी देखिए इस तरीके से हमने इसको दबा दबा कर ये पूरा पानी निकाल दिया है, जो दूध का पानी था उसको हमने पूरा निकाल दिया है। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस के लिए चाहिएगा हल्का गुनगुना पानी और एक ठंडा बर्फ़ का पानी है। देखिए गर्म जो हमने पानी गर्म किया था, अब हम उसके अंदर डालेंगे हमारी चीज़ को, देखिए उस तरीके से। और ये प्रोसेस हम इसलिए करते हैं ताकि इसमें जो दूध की जो स्मेल है वो सब निकल जाए, जो फटे हुए दूध की जो स्मेल टाइप होती है वो सब निकल जाए पानी की उसकी। ये देखिए हमने इस तरीके से दबा दबा के पानी निकाल देना है गर्म पानी का। अब फिर हम ठंडे पानी में करेंगे सेम प्रोसेस, उसको अच्छे से ठंडे पानी में डिप करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने ठंडे पानी में डिप किया था, ये देखिए कोल्ड पानी में हम उसको अच्छे से डिप कर रहे हैं और फिर उसके दबा दबा के उसका सारा पानी निकाल देंगे। ये प्रोसेस हमको कम से कम 3 से 4 बार करनी है, हमने 3 बार करी है। देखिए इस तरीके इसमें से सारी स्मेल वाला जो पानी है वो सब निकल जाएगा। अब ये हमारा चीज़ तैयार है। अब हम इसे सेट करने के लिए एक बर्तन में रखेंगे, कम से कम हम इसको सेट करने के लिए 2 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। देखिए सरके से डब्बी डब्बे में ढक्कन लगाकर, आप चाहे तो कटोरी वगैरह किसी में भी रख सकते हैं जिसमें से निकल जाए। और 2 घंटे के बाद अब हम उसे निकाल लेंगे और ये हमारा मोज़रेला चीज़ तैयार है। देखिए इस तरह से अब हम इसे घिस कर देखेंगे तो ये बिल्कुल बाज़ार के जैसा मोज़रेला चीज़ तैयार है हमारा। जब हम इसको बैक करेंगे तो बिल्कुल इसमें इतना खिंचाव होगा रबर जैसा, बिल्कुल जैसा बाज़ार में, और ये हमारा बिल्कुल प्योर तैयार है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।